Hello everyone. From this lecture, we are going to start with the PDA, that is the push-down automata. So as you already know, ki jo finite state machines hoti hain, ya jo finite automata hota hai, that accepts the regular languages. Ya fir aap ye keh sakte hain ki ek regular language wo hogi, jo bhi kisi finite automata se accept hogi. Lekin hum finite automata mein bahut sare kaam nahi kar paate hain. Jaise for example, agar hamein कंपैरिजंस करने हो तो कंपैरिजंस पॉसिबल नहीं हो पाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करके. इफ यू हैव टू डू द कंपैरिजंस देन वी रिक्वायर द मेमोरी एलिमेंट्स. और मेमोरी एलिमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं अलोंग विद द फाइनाइट ऑटोमेटा देन आई विल से दैट दिस हैज बिकम द पीडीए. सो दिस इज द सिंपल definition of the PDA, ki PDA is actually the finite automata plus some memory element. So kis type ka memory element hum use karenge? Yahan pe stack ka usually use karte hain. Aur finite automata plus the stack element is the PDA. Aur ye jo stack hota hai, that is of infinite size. So there is no limitation of the size. So finite automata plus infinite size stack is actually the PDA. आपको ये भी पता है कि कोई भी जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो फाइव टपल से डिफाइंड होता है. मींस क्यू मींस द सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स, सिग्मा इट मींस सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, एंड देन क्यू जीरो व्हिच इज द स्टार्ट स्टेट, देन एफ व्हिच इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, एंड डेल्टा डेल इट मींस द ट्रांजिशन फंक्शन. सो दीज आर द फाइव थिंग्स बाय व्हिच अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिफाइंड. तो जो पीडीए है वो इन पांच टर्म्स तो उसमें होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ दो और एलिमेंट्स होते हैं. एक होता है स्टैक का स्टार्ट सिंबल और एक टाओ जो बताता है स्टैक अल्फाबेट्स को. सो देयर आर फाइव थिंग्स. वन इज क्यू व्हिच इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, देन सिग्मा इट मींस दिस इज द अल्फाबेट्स और इनपुट अल्फाबेट्स, then q0 which is the start state, and then f means set of final state, it means more than one final states are allowed, del is the transition function. जैसे कि finite automata में transition function defined है, यहां पे भी transition function defined होगा. z0 is the stack start symbol, एंड टाउ इज द स्टैक अल्फाबेट्स. सो स्टैक पे जो जो अल्फाबेट्स जा सकते हैं उन सभी को हम कहेंगे कि वो स्टैक अल्फाबेट है, वो टाउ में आएगा. सो द डी एफ द पी डी ए इज डिफाइंड बाई द सेवन टपल्स. ओके, सो एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स से कि मेरे पास एक लैंग्वेज है ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन, where n is greater than or equal to 1. तो ये जो लैंग्वेज है उसमें a's आने चाहिए पहले, उसके बाद b's आने चाहिए. नंबर ऑफ a की संख्या नंबर ऑफ b के इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो डबल ए डबल बी इज अ स्ट्रिंग ऑफ दिस लैंग्वेज. इसमें नंबर ऑफ a's नंबर ऑफ b के इक्वल हैं, और जब सारे a's आ जाएंगे देन b's आएंगे. अगर मुझे इस लैंग्वेज के लिए पीडीए बनाना है या पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है तो मुझे कंपैरिजंस करना होगा. सिंपल अगर हम एक स्टैक लेके इसका यूज करें तो हम कह सकते हैं कि स्टैक के स्टार्ट सिंबल जेड नॉट है, जैसे ही ए आया मैंने इसको स्टैक पे पुश कर दिया, फिर एक ए आया मेरा मैंने इसको भी स्टैक पे पुश कर दिया, फिर मेरे पास बी आया मैंने स्टैक सिंबल को पॉप कर लिया, फिर एक बी और आया मैंने स्टैक सिंबल को फिर से पॉप कर लिया, और अगर एंड में मेरा स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक में केवल स्टार्ट सिंबल बचता है तो हम कहेंगे कि मेरा लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो गई है पीडीए के द्वारा, या फिर जो लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग है वो पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट हो गई. सो दिस इज हाउ वी डिजाइन द पीडीए. नाउ यहाँ पे स्टैक एलिमेंट है और यहाँ पे स्टैक में तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं. या तो स्टैक पे हम पुश कर सकते हैं कुछ, या तो स्टैक पे हम पॉप कर सकते हैं, या फिर हम स्टैक को में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि ना पुश करेंगे ना पॉप करेंगे, इसको स्किप एक्टिविटी कहेंगे.
स्किप को भी हम एक एक्टिविटी करें, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स लेंगे वैसे आपको समझ में आएगा कि स्किप को हम क्यों यहाँ पे एक्टिविटी करें। सो ट्रांजिशन फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा पीडीए बना लेते हैं इस ए पावर एन और बी पावर एन के लिए, उसके बाद फिर हम ट्रांजिशन फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सो लैंग्वेज है ए पावर एन बी पावर एन, इसकी हमें कोई स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट से हमने इसकी स्ट्रिंग सेलेक्ट की है डबल ए डबल बी। नाउ इन स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स को हम एक टेप पे रखते हैं लेट से, एंड दैट इज इनपुट टेप। और इनपुट टेप में इसके बाद मान लीजिए एक एप्सिलॉन भी आता है, इसका मीनिंग ये है कि ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग को डिनोट करता है। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक Q0 ले लिया जो कि स्टार्ट स्टेट है, और एक स्टैक ले लिया, उस स्टैक में जो सिंबल है वो Z0 सिंबल है। इसके बाद हमारे पास इनपुट टेप से मुझे स्मॉल ए मिलता है, तो मैं स्मॉल ए को पुश करूंगा स्टैक पे। तो स्मॉल ए को स्टैक पे कैसे पुश किया जाएगा, इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन से। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें मिला इनपुट सिंबल स्मॉल ए और स्टैक के टॉप पे है Z0 या Z0। हमने क्या किया, स्टैक में ए को पुश कर दिया और Z0 पहले से ही स्टैक पे था। तो दिस इज द करंट टॉप और ये है वो सिंबल जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपने इसको ऐसे डिफाइन किया। सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन कि आपने कैसे डिफाइन किया, ए इज द इनपुट सिंबल, Z0 इज द करंट टॉप ऑफ द स्टैक। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्शन क्या ले रहे हैं, एक्शन आप इस तरह से ले रहे हैं कि आपने स्मॉल ए को स्टैक पे पुश कर दिया और Z0 ऑलरेडी स्टैक के टॉप पे था, तो आप ये कह सकते हैं कि अब स्टैक के टॉप पे स्मॉल ए होगा और उसके ठीक नीचे Z0 होगा। इसके बाद मान लीजिए कि एक ए और आता है इनपुट टेप से, तो करंट टॉप ऑफ स्टैक स्मॉल ए होगा ना कि Z0। तो मुझे इस केस में भी इसको पुश करना है, तो मैं इसको भी एक फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करता हूँ कि मुझे स्मॉल ए मिला इनपुट में और स्टैक के टॉप पे स्मॉल ए ही था। इसके कोरिस्पॉन्डिंग मैंने स्मॉल ए को स्टैक पे पुश कर दिया और स्टैक का टॉप ऑलरेडी स्मॉल ए है, तो दिस इज द सिंबल जिसको हमने पुश किया है और ये मेरा स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी था। नाउ इसके बाद जब मेरे पास टेप से बी आएंगे तो मैं स्टैक को पॉप करना स्टार्ट करूंगा। सो हाउ द पॉप इज डिफाइंड, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मेरे पास इनपुट सिंबल आया स्मॉल बी, मुझे स्टैक के टॉप पे दिखा स्मॉल ए है, मैं पॉप करूंगा। पॉप करने का ये मतलब है कि मैंने करंट टॉप ऑफ स्टैक को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। सो बी आया मेरे पास इनपुट में, स्मॉल ए को मैंने देखा कि स्टैक के टॉप पे है, तो मैं पॉप करूंगा। पॉप करने के लिए स्टैक का जो टॉप है उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये इस तरह से हम पॉप एक्टिविटी को डिनोट करते हैं या यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपने क्या किया कि आपके पास स्मॉल बी आया, ए था टॉप पे, आपने इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब है कि आपने पॉप कर दिया और आप नए स्टेट में मूव कर गए। सो नया स्टेट मेरा Q1। इसके बाद एक और बी आया इनपुट टेप से, इसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या एक्शन लूंगा, मैं इसी स्टेट में रहूंगा Q1 में। तो मैंने कहा कि मेरे पास इनपुट में बी आया और करंट टॉप ऑफ स्टैक ए है, इसलिए मैं इसको पॉप करूंगा। पॉप करने के लिए मैंने करंट टॉप ऑफ स्टैक को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास बी आया है, मैंने स्टैक को पॉप कर दिया। अब मेरे पास स्टैक में केवल Z0 सिंबल बच गया है। टेप से मुझे अब एप्सिलॉन मिलता है जो कि लास्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, और ये मुझे फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएगा। तो इनपुट में आया है एप्सिलॉन और करंट टॉप ऑफ स्टैक Z0 है, मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ करंट टॉप ऑफ स्टैक में, इसको Z0 ही रहने देता हूँ और मैं मूव कर जाता हूँ फाइनल स्टेट में। सो दिस इज द फाइनल स्टेट। सो नाउ दिस इज हाउ द पीडीए इज डिजाइन, और बहुत सारी डेफिनेशन की चीजें जो हमारे पास है हम यहीं से पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला इसमें तीन एक्टिविटी, पुश एक्टिविटी। तो कैसे पुश हुआ, कौन सा एक्टिविटी पुश वाला है, कि मेरे पास स्मॉल ए इनपुट आया, Z0 मेरे स्टैक में था और मैंने इस ए को स्टैक पर पुश कर दिया और Z0 करंट टॉप ऑफ स्टैक ऑलरेडी था, तो आपने ए पुश किया और Z0 आपका टॉप ऑफ स्टैक। अब फिलहाल पहले Z0 टॉप ऑफ स्टैक था, अब नया टॉप ऑफ स्टैक ए बन गया। पॉप एक्टिविटी कैसे हुई, पॉप एक्टिविटी के लिए लेट से हमारे पास बी आया, मैंने करंट टॉप ऑफ स्टैक में ए देखा, तो मैंने करंट टॉप ऑफ स्टैक को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज द पॉप एक्टिविटी। एंड व्हाट इज द स्किप एक्टिविटी हियर,
आपके पास एप्सिलॉन आया और आपने देखा कि करंट टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट है, आपने इसको जेड नॉट ही छोड़ दिया। इसका मतलब ना ही आपने पुश किया और ना ही आपने पॉप किया। तो दिस इज हाउ यू डिजाइन डिफाइन द ट्रांजिशंस एंड ये आपके कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे आपके पीडीएम। नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार फिर से जो डेल फंक्शन है या जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो डिफाइन करते हैं। सो ट्रांजिशन फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला होगा करंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल वी आर एट द क्यू जीरो स्टेट विच इज द करंट स्टेट, और एक स्मॉल ए आया, स्टैक के टॉप पे जेड नॉट था पहले से। सो तीन चीजें इसमें हो गई, एक है करंट स्टेट, इनपुट सिंबल और करंट टॉप ऑफ स्टैक। सो लेट मी राइट इट हियर, दिस इज द स्टेट, जिस स्टेट में आप करंटली हैं। स्मॉल ए इज द इनपुट सिंबल और ये बता रहा है कि टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, जेड नॉट। इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या एक्टिविटी करते हैं? ट्रांजिशन करेंगे, यू मूव टू अ स्टेट क्यू जीरो और करंट टॉप ऑफ स्टैक को ए जेड नॉट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जेड नॉट ए के नीचे हो गया, करंट टॉप ए हो जाएगा और उसके नीचे जेड नॉट होगा। तो एक ट्रांजिशन हमने डिफाइन किया। एक और ट्रांजिशन यहाँ पे, ये क्यू जीरो स्टेट में हम हैं, मुझे स्मॉल ए सिंबल मिला और स्टैक के टॉप पे ए था, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या एक्शन ले रहे हैं? यू आर मूविंग टू क्यू जीरो स्टेट, इट मीन्स यू रिमेन एट द सेम स्टेट और आपने एक ए को पुश कर दिया। तो डबल ए लिखने का ये मतलब है कि ए के पहले से टॉप था, इसके ऊपर आपने एक और ए पुश कर दिया। सो आपने ये डिफाइन कर दिया है और ये वाला एक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये वाला एक्शन हम डिफाइन करते हैं। सो मान लीजिए कि आपके पास स्टेट क्यू जीरो है और क्यू जीरो स्टेट में आपने बी ऑब्जर्व किया और करंट टॉप ऑफ स्टैक ए था। इस केस में आप मूव कर रहे हैं क्यू वन स्टेट में और सिंबल को पॉप कर रहे हैं। पॉप दिखाने के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देते हैं, तो करंट टॉप ऑफ स्टैक एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली आप ये वाला एक्शन अगर डिफाइन करें, सो दिस इज डेल एंड यू आर एट द क्यू वन स्टेट और उसमें आपने जो सिंबल लिया वो बी लिया और करंट टॉप ऑफ स्टैक ए था, इसमें आपने क्यू वन स्टेट में रहे और आपने पॉप एक्टिविटी परफॉर्म की। इसका मतलब करंट सिंबल को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। एक और एक्टिविटी है, ये वाली डिफाइन करते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम क्यू वन स्टेट व्हेन यू ऑब्जर्व द इनपुट सिंबल एप्सिलॉन और आपके स्टैक में जेड जीरो सिंबल है, तो आप मूव कर रहे हैं क्यू फाइनल स्टेट में विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू द टॉप ऑफ द स्टैक। सो दिस इज यू हैव रीच टू द फाइनल स्टेट। और इसी तरीके से हमने ये देखा कि ये जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग है वो इस पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट हो गई। सो पीडीए जो लैंग्वेजेस टाइप की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा, दोज विल बी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। सो पीडीए विल एक्सेप्ट द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। नाउ अगर सिंगल, हमारे पास दो तरह के पीडीएस पॉसिबल हैं, एक सिंगल स्टैक पीडीए पॉसिबल है और एक डबल स्टैक या टू स्टैक पीडीए पॉसिबल है। सो जो सिंगल स्टैक वाला पीडीए होगा वो जिस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा वो कंटेक्स्ट फ्री होगी, लेकिन डबल स्टैक वाला जो पीडीए होगा जिस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगी, दैट विल नॉट बी कंटेक्स्ट फ्री। इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल सी दिस दैट हाउ इज इट सो। इसी के साथ साथ जो हमारा पीडीए होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पीडीए और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। सो जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में आपको किसी इनपुट सिंबल पे पता होता है कि आपको किस स्टेट में मूव करना है, लेकिन एनपीडीए में कंफ्यूजन होता है कि हम किस स्टेट में मूव करें। सो आप सभी स्टेट्स में मूव कर सकते हैं, तो इस तरह का जो ट्रांजिशन आपका होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे मूव करना और कहाँ पे मूव नहीं करना है, तो ऐसे जो पीडीए होंगे वो एनपीडीए होंगे। तो निश्चित रूप से जो एनपीडीए होगा उसकी जो एक्सप्रेसिव पावर होगी या उसकी जो पावर होगी उसकी पावर डीपीडीए से ज्यादा होगी। डीपीडीए से हम कुछ ही
लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लैंग्वेजेस को हम एनपीडीए से एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इसीलिए जो एनपीडीए है उसकी जो एक्सप्रेसिव पावर है, या जो उसमें उसकी जो पावर है वो डीपीडीए से ज्यादा होती है। आइए अब हम लोग ट्रांजिशंस को भी डिफाइन कर लेते हैं एक बार फिर से। ट्रांजिशन को हमने एग्जाम्पल से तो देखा, लेकिन अब हम सिम्बॉलिकली अगर इसको हम देखें तो ट्रांजिशन कैसे डिफाइन होता है। सो ट्रांजिशन इज ऑलवेज फ्रॉम सम स्टेट। सो लेट्स से स्टेट इज वन ऑफ द स्टेट फ्रॉम क्यू, एंड द ट्रांजिशन इज फॉर एन इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, एंड द ट्रांजिशन इज विद स्टैक अल्फाबेट। सो दिस इज टॉप विच इज इन स्टैक अल्फाबेट्स। सो वट इज दिस डिफाइनिंग? द फर्स्ट थिंग इज द स्टेट, सेकेंड थिंग इज द इनपुट अल्फाबेट, एंड टाउ इज द स्टैक एलिमेंट और स्टैक कैरेक्टर्स। नाउ आपने ये भी देखा था कि ट्रांजिशन एप्सिलॉन से भी हो रहा था, तो इसलिए ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो इनपुट्स ले रहे हैं उसमें सिग्मा मतलब इनपुट सिंबल्स में से तो सिंबल्स हो ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, एंड द थर्ड थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन की ये इनपुट अल्फाबेट है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि Q0 से स्मॉल ए इनपुट लेके, जबकि स्टैक का अल्फाबेट Z0 था, यू वर मूविंग टू स्टेट Q0 एंड आप पुश एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। सो व्हाट दिस लीड्स टू? दिस लीड्स टू वन ऑफ द स्टेट्स एंड दिस इज सिग्मा, सॉरी टाउ स्टार। इट मींस जो स्टैक के अल्फाबेट्स हैं उसका स्टार मतलब कि उसका क्लोजर, उसमें कोई भी सिंबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और जेड नॉट दोनों स्टैक के अल्फाबेट हैं, सो द टाउ स्टार इज डिनोटिंग दिस ओनली। सो दिस इज द ट्रांजिशन फॉर द डीपीडीए, द डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। बट इफ यू हैव द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा देन दिस रिमेन्स द सेम, दिस रिमेन्स द सेम, दिस रिमेन्स द सेम, बट द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज दिस पार्ट। एंड सिंस यू कैन मूव टू एनी ऑफ द स्टेट, सो दिस विल एक्चुअली बी 2 raised to the power क्यू क्रॉस टाउ स्टार। सो यू कैन मूव टू 2 raised to the power n स्टेट्स फॉर, जैसा कि हम लोगों ने एनडीएफए में भी देखा था कि दैट वॉज एबल टू मूव टू 2 raised to the power n स्टेट्स। द सिमिलर इज द कंडीशन हियर दैट इट विल मूव टू 2 raised to the power क्यू इन टू सिग्मा टाउ स्टार डिफरेंट स्टेट्स। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, द एक्सप्रेसिव पावर और द पावर्स ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड वी हैव सीन दिस विद द एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको और क्लैरिटी स्टैब्लिश हो पीडीएम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।